गाड़ी चलाओ, कुछ भी चलाओ, जोड़ो या मत जोड़ो, जाओ। हमने पैसा भेज दिया, जोड़ भी दिया। और गाइज हम लोग यहाँ पे पहुँचे और एक और हादसा हो गया गाइज यहाँ पर। इफ्तारी ऐसा लगता नहीं हमारे नसीब में होगी। के बाद देखिए क्या हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों होता है। आया है बहुत ही स्पेशल सरप्राइज हमारे लिए, नहीं जोहान के लिए। तो हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आप सभी का नियान की नोकझोंक भरी छोटी सी दुनिया में। तो इतना दूर क्यों बैठे हो तुम, थोड़ा नजदीक आओ। क्योंकि निदा मैं थोड़ा काम कर रहा हूँ, यू नो बहुत ही बड़ा मैटर हो गया है, बहुत ही इशू हो गया है। मैं आपको क्या बताऊं गाइस कि मे भी हो सकता है कि हमारा बिजनेस का जो इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक का पेज है वो डिसेबल हो जाए, वो उड़ जाए। फेसबुक और इंस्टाग्राम की तरफ से हमें नोटिफिकेशन आई है। हाँ, और एक बार नहीं दूसरी बार आई, और थर्ड बार में बोलते कि अकाउंट चल देता है। बहुत ज्यादा टेंशन हो रही, बस उसी चीज में लगा हुआ हूँ कि बस अकाउंट उड़ नहीं जाए। इतनी मेहनत से 40,000 फॉलोवर्स पार किए हम लोगों ने। यस, और वो भी जेन्युइनली 1.5 महीनों में। अगर ये उड़ गया ना गाइस, कसम से दिल टूट जाएगा, बहुत टूटेगा। और इस पे अच्छी खासी एंगेजमेंट भी आ गई। इंस्टाग्राम वाला को हैंडल नहीं हो पाया एक्चुअली हमारा जो एंगेजमेंट आया। बोले इतने टाइम से अकाउंट में कुछ चल नहीं रहा था, और अचानक से आया तो एकदम बूम बड़ा बूम हो गया। तो अभी इंस्टाग्राम को भी हम लोगों ने मेल किए कि भाई हमारा ये जो अकाउंट है, प्लीज ये हमारा जेन्युइन अकाउंट है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि फेक फॉलोवर्स आ रहे हैं, फेक जा रहे हैं, कुछ भी ऐसा हो रहा है। तो देखते हैं अभी। नहीं एक्चुअली ये सीन कैसा होता है ना गाइस कि अगर आप अपना आईडी पासवर्ड किसी और को दो ना, तो उसको इंस्टा मेटा को लगता है कि ये सस्पिशियस एक्टिविटी है, आपका अकाउंट कोई हैक कर रहा है, तो वो सेफ्टी के लिए अकाउंट डिसेबल कर देता है। बट उसको नहीं पता भाई हमारी सेफ्टी नहीं है, ये हमारा नुकसान ही है, बहुत बड़ा नुकसान। ये देखो गाइस कितना अच्छा लगता है ना, मेरा रूम साफ। अच्छा साफ है ना, मैं साफ करके थक गई हूँ गाइस। ये देखो ये रूम भी साफ करके थक गई हूँ, ये हॉल भी साफ करके थक गई हूँ, और ये ऐसी पिलो कवर्स गाइस आप नए नए देख रहे हो मेरे पिलो कवर्स। ये मुझे मेरी मम्मी के ऐसे ढाप के लेकर आई हूँ मैंने। और मैं ये बोलना चाह रही थी कि आज हम लोगों ने सोचा है कि क्यों ना जोहान को लेके जाते हैं बाहर इफ्तारी करने के लिए। बिकॉज बहुत टाइम हो गया है मैं और सुफियान और जोहान बाहर गए नहीं है घूमने के लिए, कुछ खाने पीने के लिए। बस आई एम होपिंग कि जोहान शांत बच्चा रहे, एकदम सबरीन बच्चा रहे, जब हम लोग वहाँ पे इफ्तारी खोल रहेंगे। क्या बोलते हो सुफियान? चलो अब इसको मैं रेडी करूँ। रेडी तो रेडी क्या करने का, अरे उसने पूरी उल्टी करके रखा है उसके ऊपर। हम लोग आप लोगों को एक बात तो बताना भूल ही गए, आज बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी हुई हमारे साथ में, ठीक है। अभी पिछले महीने हम लोग बॉम्बे में थे, ठीक है, यहाँ पे नहीं थे, तो यहाँ का जो बिल आया था गाइस वो हमने देखा नहीं, और हमको लगा कि हमने बिल भर दिया। अभी कल बिल आया, मैं आज सुबह भरा, और गाइस हमारे घर की बिजली चले गए मालूम। फिर हम लोगों ने नीचे वॉचमैन को फोन किया, नॉर्मल गई है, हाँ नॉर्मल लोग मतलब बिल्डिंग की लाइट गई है, और तीन चार घंटे तक हम लोग सो रहे मस्त गर्म में, जोहान रो रहा है। हम लोग बोले यार चल बिल्डिंग में लाइट आ जाएगी, तो निदान ने दिमाग चला, चार घंटे बाद निदान ने वॉचमैन को फोन करी, बोले भाई लाइट कभी आएगी? बोले लाइट तो बिल्डिंग की, आपकी लाइट बीएसटी वाले ने काट दिया। हम लोग बोले क्यों काट दिया? बोले आपने बिल नहीं भरे। मैं क्या बात कर रहा, मैं बिल भरा, मैं उसको स्क्रीनशॉट वगैरह भेजा, सब भेजा। बाद में उसको मैंने फोन लगाया तो बोले हम लोग ने बोले बिल्डिंग पर नोटिस दिए थे कि तुम्हारी लाइट कटने वाली है, और हमें नोटिस नहीं मिली लाइट कटने वाली है। और गाइस हो गया शॉर्ट, अभी सुबह से लाइट गई थी, लाइट आई, हम लोगों ने बातचीत किए, झगड़ा वगैरह किए बीएसटी वाले से, बोल के बिना पूछे तुमने लाइट कैसे काट दी, हर महीना बिल आता है आप लोगों को, पिछले महीना हम लोग घर में थे ही नहीं, बिल हमारा आया था 200 रुपए, उसमें भी आप लोगों ने बिल काट दिए, नोटिस भी नहीं दिए वगैरह वगैरह वगैरह। फिर गाइस लाइट आई, वॉचमैन ने लाइट लगाया, और फिर से गाइस लाइट चले गई है। तो फटाफट लगाओ ना फोन, तुम क्या कर रहे हो? मैं लगाई वो फोन ही नहीं उठा रहा है, क्या करूं दादा? फिर लाइट चले गई हम लोग की। नहीं सब पावर कट है, पूरा गया है। सबका पावर गया है जी सर। वो बीएसटी वाला आया नीचे लाइन लगाने के लिए? हाँ सब आया था ना, जब हम लोगों ने लगा दिया था उसके बाद आया 5 मिनट बाद। फिर लगाया उसने, सही किया उसको प्रॉपर? हाँ सर सही कर दिया है। और पैसा उसका? पैसा कहाँ दिया, भेज दिया था आपके पास ना, फिर हमने नहीं दिया, बोला तुमको देना नहीं चाहिए, हमको देना चाहिए। हमने कहा भाई बार बार फोन कर रहे हैं, आप जो बार बार फोन कट कर रहे हो, हम क्या समझे इसका? हाँ सही बात है। अच्छा ये सुना है ना तुमने उसको? हाँ हमने खुद बोला, हमने कहा बार बार फोन कर रहे हैं, बार बार आप कट कर रहे हो। बोले नहीं यार मैं आता गाड़ी पे, हमने कहा गाड़ी चलाओ, कुछ भी चलाओ, जोड़ो या मत जोड़ो, जाओ। हमने पैसा भेज दिया, जोड़ भी दिया। हाँ सही किया, चलो अच्छा, थैंक यू दादा। गाइस क्योंकि जो हमारे गार्ड है बिल्डिंग के, उनको भी पता है कि घर में छोटा सी बेबी है, और वो गर्म में इतना गाइस तड़प रहा था ना, लिटरली हीट में उसको इतनी प्रॉब्लम हो रही थी ना, वो लोग भी हाँ उसकी बंद है, पर उसको सोना नहीं है बिकॉज इतना गर्म हो रहा है। और ये जो अभी देखो तुम्हारे मुंह पे पूरा पसीना पसीना हो गया, देखो 2 सेकंड में मैं पूरी अंदर से भी पसीना पसीना हो गई हूँ, क्या करेंगे बेटा। तो गाइस चलो ठीक है, एटलीस्ट के बिल्डिंग वाले सपोर्टिव है, बिल्डिंग के जो ओनर्स है वो सपोर्टिव है, हमारे जो बिल्डिंग के चेयरमैन है सब लोग वो सपोर्टिव है, तो हमारा काम हो गया। तो गाइस चलो चलते हैं बाहर, अभी इफ्तारी करने जुआन हो चुका है, ऑलमोस्ट रेडी, लाइट भी नहीं है, पूरी बिल्डिंग की लड़ गई अल्लाह का शुक्र, वरना हाथ जाके मैं बीएसटी की बजाने वाला था। और सोचो अभी लोग जो घर पे इफ्तारी कर रहे हैं, हाँ यार बेचारे गर्म में इफ्तारी कर रहे हैं, गर्म में बेचारे लोग हो रहे हैं। तो गाइस आज
का हमारा इफ्तारी का प्लान जो है वो बहुत बुरी तरीके से चौपट हो गया। मम्मी का मुझे फोन आया, मम्मी ने बोला कि इफ्तारी हो चुकी है गाइस, टाइम हो गया है 7 और हम लोग ने घर में कुछ नहीं बनाए थे आज, तो प्लीज अभी यहीं पर हम लोग खजूर खा लेते हैं, खजूर खा के देखते हैं नीचे क्या मिलता है फौरन। ये खजूर का है नहीं तो अंदर का सब सामान ही खराब हो जाए। नहीं नहीं इतना नहीं खराब होगा, 2-2 दिन तक नहीं रहेगा। खजूर किधर है लेकिन? बहुत अंदर रहेगा। मां कसम गाइस, मिलता हूं बाद में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलते हैं फटाफट। निजा खाओ, फटाफट तुम भी दीजिए मुझे भी। हेलो, बीच भी है। तो गाइस आज है मेरा ये आउटफिट आज का जो अभी तक लॉन्च हो जाएगा। हो गया, हो गया। ले गाइस दिखाओ डिजाइन, दिखाओ ये बराबर फोटो में आया नहीं है डिजाइन। डबल लेयर है गाइस, हैंड में भी और इधर भी डबल लेयर है, हिमर में और नीचे भी डबल लेयर है। वेरी नाइस, जल्दी जाइए और शॉपिंग कीजिए। सो गाइस हम लोग निकल चुके हैं फाइनली इफ्तारी करने के लिए, पहुंच गए हम लोग ऑलमोस्ट। लेकिन गाइस हमारी इफ्तारी करने से पहले हमें जोहान की इफ्तारी करवानी पड़ी, ठीक है? तो इसके लिए निदा चले गई है पीछे जोहान को इफ्तारी कराने के लिए। और गाइस हम लोग यहाँ पे पहुंचे और एक और हादसा हो गया गाइस यहाँ पर, यहाँ की भी लाइट चली गई है। बोलो जहाँ जहाँ जा रहे वहाँ वहाँ मुसीबत आ रही है गाइस, लिटरली बता रहा हूँ। इफ्तारी ऐसा लगता नहीं हमारे नसीब में होगी, सिर्फ एक खजूर पे अभी तक हम लोग जिंदा है गाइस, लिटरली बता रहा हूँ मैं। और मेरे को तो ऐसा लग रहा है मैं पूरी ड्राई होगी अंदर। हाँ ना, हालत ही खराब, खाली पानी पी पी के भूख तो सच्ची में बहुत लग रही, खाली पानी पी पी के पेट भर रहे गाइस। और गाइस कल मैंने आप लोगों को बोला था कि लास्ट में कुछ चेंज है, तो गाइस बहुत सारे लोग ने सही गैस किए। चेंज ये है गाइस कि मैंने शेविंग वेविंग करवा ली और ट्रिम विम करवा, थोड़ा स्मार्ट दिख रहा हूँ, इंसान के बच्चे बन के आया हूं मैं, बात अलग है वो, ठीक है? तो चलो गाइस वेट करते हैं, पता नहीं अभी वो कुकिंग भी हो रही होंगी कि नहीं हो रही होंगी, कि वो लोग ओवन में बनाते हैं कि गैस पे बनाते हैं क्या मालूम, लेट्स होप कि आ जाए। तो गाइस मेरा तो आ गया बट निजा का अभी भी नहीं आया है गाइस, तुमने गलत ऑर्डर दी। मैंने गलत ऑर्डर नहीं, तो उसने गलत सुना, मेरी क्या गलती है? क्या हो रहा है मेरे साथ ही, क्यों होता है? अभी भी लाइट नहीं है इतने बड़े भुक्कड़ है। अच्छी आवाज आ रही है आपको? कब से खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, तुमको एक शर्म भी नहीं आई, गप गप करके खा लिए। ये नहीं कि बीवी का नहीं आया तो बीवी को एक निवाला खिला। आ गया, ये लाइट आ गई, आ गया। हाँ। जूस, 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 चलो तुमको यहाँ पे टॉपिक मत चेंज करो, तुम्हारी बीवी यहाँ पे भूखी और तुम अकेले अकेले यहाँ पे गप 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 खाए जा रहे हो। मैं क्या करूँ, उसने तुम्हारा ऑर्डर गलत लाया था तो मुझे तुम एक निवाला नहीं खिला। चाचा यहाँ पर आ रहे पूछने के लिए जूस चाहिए क्या? लाइट आ गई ना, आप पूछ रहे हैं जूस नहीं मिलेगा ना? बिचारे चाचा आए थे पूछने के लिए, एकदम एग्जैक्ट बोला तुमने। मैं चाचा को देख लिया ना मैंने आते हुए, को मैंने पूछा पहचान देना अपने को, अल्हम्दुलिल्लाह। तो गाइस फाइनली मेरा सैलेड आ चुका। अरे वाह, इतना सारा दे रहे अभी सुफियान, एक बार अच्छी लगी। हाँ यार मस्त है यार, मजा आ गई, अभी खाएंगे गप गप करके। मैं भी निता इतनी शानी है, हम लोग खा के निकले तो मुझे बोलती है सुफियान अब यू टर्न मार सकते हैं। मैं क्यों? बोले वो वहाँ पे ना एक छोटी सी दुकान है, बोले वहाँ जाना है। मैं अच्छा ठीक है। तो वैसे छोटी सी दुकान को इतनी बड़ी दुकान में लेकर आई है, क्या लेने पता है आप लोग को? ये जोहान के लिए, ये लेने के लिए हमारा जो कॉर्ड है उसके साइड में उसको लगवाना है। कितनी शानी है, हाँ दिखाया ना मैं, ये अच्छा इधर ले लो ना, अच्छा लग रहा है। तो छोटा है, बराबर है, बट इसमें ना नीचे ज्यादा कुशन भी नहीं है। अरे, तो साइड में लगाने के लिए। अच्छा साइड में लगाने के लिए हो? तो सर राउंड क्यों है? मेरे को लगा इसमें बच्चे को सुलाते। देखो देखो कुछ ना कुछ तो मतलब तुम लेके जाओगे ना निधा। अब ये क्या ले रहे हो? ये पिलो है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये वो भी तो है, वो फीडिंग पिलो है ना। कुछ ना कुछ तो लेके ही जाओगे तुम, ऐसा है क्या? फाइनली अंदर गए और मैंने बोला कि कुछ नहीं लो, मतलब नहीं लिया हम लोगों ने, और गुस्सा होके जा रही है गाइस यहाँ पर ये, ठीक है? इसको कुछ ना कुछ चाहिए ही था अंदर से, जबरदस्ती वेस्ट ऑफ चीजें लेने का, जबरदस्ती का हाँ पैसा बर्बाद करने का। और सब छोड़ो बिजनेस की बात को निधा, देखो सामने दुकान खाली है, देखो यहाँ पे ना बड़ी बड़ी दुकानें खुल रही है निधा। अरे गाइस सच सच बताओ, इसने जो प्रेगनेंसी पिलो भी ली थी, इसने मेरे को बोली थी, तुमने बोले थे कि प्रेगनेंट डिलीवरी के बाद भी काम कर रहा है, प्रेगनेंसी में तुमने बोले डिलीवरी के बाद भी, इसने यही बोल के लिया इसके डिलीवरी के बाद काम आएगा, बच्चे को सुलाते उसके ऊपर। अभी से तुम्हारे कुछ पूछूंगी नहीं, ऑनलाइन मंगा लो, तुमको कौन बोलता पूछने के लिए? देखो मैं बोलता हूँ गाइस, यहाँ पर दुकान डालते, यहाँ पे सब बड़ी बड़ी दुकानें खुलने वाली है, सामने लिखा भी है शॉप फॉर रेंट। हमारे घर आया है बहुत ही स्पेशल सरप्राइज, हमारे लिए नहीं जोहान के लिए, और वो जोहान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ हम लोग ये चीज यूज कर सकते हैं। तो कमेंट करके बताना क्या होगा, आपको देख लो मैं बताऊंगी। नहीं नहीं गाइस मैं मस्ती कर रही हूँ, थोड़ा मूड में मस्ती करने के। तो सूफी, दिस इज रोज गोल्ड।
गोल्ड तो ब्लैक है ना। अरे तुम्हारा मेन मुद्दा तो ब्लैक का था ना। खोलो खोलो, अब नहीं चेंज करवाना। अब थोड़ी चेंज करूंगा, आप जिंदगी में एक महीना लग गया चेंज करके। हाँ यार, ये जो जहाँ से हमने मंगाया ना गाइस, मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है, बिकॉज एक महीना लग गया चेंज करके मंगाने के लिए। हो 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 हो, सर्विस फास्ट देनी चाहिए। हाँ यार, जैसे अपने जैसा यार, थोड़ी मैं तो बोल रहा हूँ, फिर भी लोग ऐसा बोलते अपने को, बताओ। चलो खोलो जल्दी से। क्वालिटी अच्छी नहीं, मतलब अरे ढोलू, ये सब पेंट मारे हुए ही होते हैं। तुमको मालूम है जहाँ पे अपन गए थे पहला, जहाँ से इसका हम लोग ने वो ली थे कॉर्ड जो वहाँ पड़ा हुआ है, वहाँ पर भी तो उसका कलर निकला था, इसलिए नहीं ली मैंने। अरे 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 अरे, तोड़ दिए। मैंने नहीं तोड़ा सुफियान, ये वो नहीं है आई गेस, वही है। इंस्ट्रक्शन पढ़ो, असेंबल करना है। साइज एक पहिया लग चुका है, एकदम नरम नरम टायर। हाँ मस्त है, साइकिल के टायर है। एक टायर लगा दिए ना तुमने, कैसा लगा है बताओ? इजी है लगाना, खाली इसको पकड़ने का ऐसा ऐसा डालने का इसके अंदर, और यहाँ पर ना बटन है, दबाए इसको हल्का सी प्रेस लग गया। वाह, जोहान की तो साइकिल रेडी हो रही है। साइकिल नहीं रे पागल, स्ट्रोलर। तो गाइज इसमें इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, और हम लोग इसको पहले असेंबल कर लेते हैं, और फिर डायरेक्टली जोहान को अंदर लिटा के आपको बताते हैं कि जोहान कितना एंजॉय कर रहा है। ओके गाइज, ये स्ट्रोलर फाइनली बन चुका है। जोहान को अंदर लिटा के लई कर रहे हैं। मेरे बच्चा है लल्ला में, क्या मस्त चीज मिली रहा साला, ये तो जिंदगी का सपना था मेरा चलाने का। अरे क्या मस्त तेरा लल्ला लल्ला, जिंदगी का सपना था लल्ला लल्ला। क्या बच्चे को तुमने खिलौना बना दिया यार। आपको जवान भाई, इसके फीचर्स में बताऊंगा ना आप लोगों को, पागल हो जाओगे, इतने बिल्ले बिल्ले फीचर्स है इसके अंदर। मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा, कंपनी को पैसा देगी तभी नाम लूंगा। सर जो बहुत मस्त चीज है, क्वालिटी भी अच्छी है, मतलब अभी काम चलो, क्वालिटी देखते कितने साल चलती है ये। जो हाई करो कैमरे में देख के, कैमरे में देख के हाई करो, जरा इसका हाथ लो दीदा, थोड़ा आगे आओ। हाय दीदा, हाथ दिखा हाथ दिखा। लल्ला लल्ला, ही इज एंजॉयिंग इट। जो जो किचन घूम के आएंगे, बोल किचन देखो, किचन लाइट चालू करो तो दिखेगा उसको। जोहान ये हमारा किचन है गाइस, ही इज वेरी ऑब्सेस्ड विद इट। नहीं जाना किचन में, छोटा किचन बड़ा करवाना पड़ेगा। नहीं अंदर ले लो उसको, यहाँ पे घुमाने के लिए नहीं नहीं कराइए। कल अगर फ्राइडे नहीं होता और वो नहीं होता ना, तो कल आप बट इसको लेके जाते नीचे। ये इतना अच्छा है ना कि इसको ऐसा भी यूज कर सकते, पूरा फेस वे सब छूट जाएगा। अपने को बेबी को देखना है ना, तो इसको निकाल के पलटा भी सकते। मेरा आदमी पागल हो गया है, सठिया गया है, ढंग हो गया है। ये देखो कहाँ लेके जा रहे हैं उसको, कहाँ लेके जा रहे हैं उसको। पूरा हिल गया अंदर, ऐसा कर रहा है। तुमने उसके साथ क्या कर दियो सुफियान, उसको कुछ हो जाएगा, अंदर ले लो हवा प्लीज। जान को मजा आ रही है। लल्ला लल्ला, बोलिए ना, मेरा पति पागल हो गया है। क्या चाहिए? पता चला कभी अपने ऐसा गाड़ी सोचो जोहान को छोड़े, और जोहान जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है। जोहान चलने लग गया, और आवाज भी जा रहा है, मैं जा रहा हूँ, आओ आओ आओ, बोले अरे आओ आओ, छोड़ दो उसको। लल्ला लल्ला, तो गाइस अभी सुफियान आपको बताने वाले हैं कुछ, तो उससे पहले मैं आपको कुछ बता दूं कि जोहान लेटा है मेरे जेब में, बोल रही थी मैं, मेरे गोद में, और सुफियान वहाँ पर है। मैं इसलिए बता दी क्योंकि फिर लोग बोलेंगे कि सुफियान जोहान को लेके सब करतब कर रहे हैं। इसके बहुत सारे फीचर्स है, बहुत मस्त लगा इसमें को। तो ये सबसे पहले तो गाइस देखो, इसका हैंडल ऐसा ऊपर नीचे होता है, ये इसको यू भी पकड़ सकते, हाथ को रेस्ट करना हो तो थोड़ा ऊपर ही पकड़ सकते, यू करना हो तो इसको यू भी। अरे वाह वाह यार, नाइस फीचर। यहाँ पर ना ये जो है टायर है, ये लॉक भी होता है। अगर मैं इसको ऐसा ये लॉक कर दूंगा तो ये लॉक अभी आगे पीछे हिलेगा नहीं। वापस और अनलॉक कैसे करते? अनलॉक और तुमने उल्टा लगा दिए थे वो। हाँ वो लास्ट टाइम उल्टा लगा दिया था। ये भी यहाँ पर से ये जो है ना, ये भी ऐसा हो सकता है। ये ऐसा नहीं होता, ये बंद होता है। ऐसा कहाँ बंद हो रहा है? हाँ अभी तो बंद हो गया। हाँ तो बंद हो गया, थैंक्स, मेरे को पता नहीं था। देखो जोहान होना चालू कर दिया, और गाइस इसके अंदर ना हम लोग इसको इंक्लाइन भी कर सकते हैं, अगर बच्चा नीचे लेटना नहीं चाहता, नकार लेनी हो तो सर ऐसा इंक्लाइन कर देने का इसको, ऐसा ही ऊपर। देखो नीचे मैंने किया हुआ यहाँ से इंक्लाइन जोहान के लिए। हाँ, वो क्लिप खींच के करते हैं, क्लिप खींच के। और गाइस इसके और फीचर्स बहुत सारे, ये निकलता भी है, ये चेन है, ये बच्चे का फेस कवर रहता है अंदर वेंटिलेशन के लिए है, और ये भी जोहान बहुत रो रहा है, ये भी लगा सकते हैं, बच्चा सुसु सुसु कर दे तो ये खराब नहीं हो उसके लिए, और भी बहुत सारे फीचर। ये स्टोरेज तो बताओ। हाँ स्टोरेज भी है गाइस नीचे, देखो बच्चे को सामान रखना हो तो इसके अंदर रख सकते हैं।
नहीं बोल रहा है वो। सो गाइज फाइनली इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। और गाइज जैसा कि आप लोगों को पता है पिछले महीने हम लोगों का फर्स्ट इंटरव्यू हुआ था गाइज तैली मसाला के पेज पे। तो गाइज वो वीडियो आज लाइव होने वाली है, शायद अभी तक लाइव हो भी गई रहेगी। मैं कमेंट में उसकी लिंक डाल दूंगा गाइज। और जोहान बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है हम लोगों को गाइज, बहुत जिद्दी हो गया जोहान, डरो मेरे से। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग, अगर आपके ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना गाइज। लव यू, अल्लाह हाफिज़।